हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस क्लास 12th एनसीईआरटी फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के लिए मेथड्स की क्या ज़रूरत है? सीधे सीधे अबॉर्शन या टर्मिनेशन क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, किसी भी एक ठोस कारण नहीं होने के लिए अबॉर्शन करना, अबॉर्शन का मतलब क्या हो गया? किसी जीव की हत्या करना, ठीक है? आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसका काम क्या है? जीवन देना, ना कि किसी को मारना, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल करने के लिए अबॉर्शन करना बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी सोच से सही नहीं है, ना एथिकली सही है, ना रीजनल सही है। तो जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जो इतने अच्छे से बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका यूज़ करके आप बर्थ कंट्रोल या फिर मतलब जीव का निर्माण होने से पहले ही उसको रोक सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि सावधानी ज़्यादा सही है। लेकिन कई जो कपल्स होते हैं वो कैसा कर, मतलब कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं या कैसे मिसयूज़ करते हैं अबॉर्शन का, वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करते, ठीक है? और बार बार अबॉर्शन कराते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मदर की यूटेरस पे। वो चीज़ उनको उस समय समझ में नहीं आती, ठीक है? तो अभी की जो जनरेशन है वो बिल्कुल पढ़े लिखे होने का परिचय देना चाहिए उनको, और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ ही करना चाहिए बर्थ कंट्रोल करने के लिए, ना कि अबॉर्शन का। अबॉर्शन का यूज़ बहुत क्रिटिकल केसेस जैसे रेप केस या फिर किसी प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर होने के कारण, या ऐसा कई बार हो जाता है, तो उस कारण से अगर अबॉर्शन किया जा रहा है तो वो फिर भी एक प्रकार से मान्य है। लेकिन सिर्फ बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज़ करके अबॉर्शन कराया जाना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो जो मेथड है 5 एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, जिनके बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है, वो मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर, थर्ड आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, फोर्थ है ओरल पिल्स, फिफ्थ है सर्जिकल मेथड। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, इनका काम क्या है कि किसी भी प्रकार से जीव के बनने से पहले ही क्या कर दिया जाए? उसको मार दिया जाए या फिर उसको मिलने ही ना दिया जाए, ठीक है? जीव को मिलने ही ना दिया जाए। जीव का मतलब क्या है कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दिया जाए। दो चीज़ें ही हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? या फिर स्पर्म और ओवम को मिलने ना दिया जाए, या फिर उसको यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होने देना है। दो चीज़ होगी, उन्हीं के द्वारा ही ये चीज़ रोकी जा सकती है। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल मेथड, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि तुक्के की तरह या अंदाजे की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसका भी प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग, ठीक है? स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देना, ठीक है? अवॉइड कराना, मिलने नहीं देना। मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है? तो कैसे इसका यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में, अभी भी किया जाता है लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका, ठीक है? तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट क्या है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, मतलब लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 14 to 15 डेज में ओवुलेशन होता है, ठीक है? ओवम का निर्माण, ओवम निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, सॉरी ओवम नहीं निकलता, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है 14 to 15 डेज पे। अगर उसी टाइम पे सेक्स हुआ तो बिल्कुल 100% 99% चांसेस है कि प्रेगनेंसी होगी, ठीक है? तो इसीलिए एनसीईआरटी में आपकी साफ साफ लाइन दी गई है कि 10th to अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो 10th to 17th डेज, फर्स्ट जो मेथड है उसके बारे में बात की जा रही है अभी, कि 10th to 17th डेज, 10वें से 17वें दिन पे आपको बिल्कुल सेक्स से बचना है, ठीक है? ये जो है 10th to 17th डेज वो अनसेफ पीरियड कहलाता है, ठीक है? मतलब इस टाइम पे अगर सेक्स किया जाए तो फिर भी 90% चांसेस किस चीज़ के? प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। तो इस टाइम पे अगर बचा जाए तो आप तो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है? तुक्के वाली बात है, इसीलिए इनके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, होते हैं। सेकेंड जो है कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है? इंसेमिनेशन ही नहीं किया जाता मेल के द्वारा, ठीक है? तो इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म जो है वो वजाइना के थ्रू यूटेरस में या फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, तो किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। थर्ड जो है लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें क्या होता है? लैक्टेशनल पीरियड में जब फीमेल होती है, जो माँ होती है, मतलब लेडी जो होती हैं, वो अगर बच्चे को अपने दूध पिला रही है 6 महीने तक, ठीक है? उस 6 महीने के दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती और उसमें ओव्यूलेशन वगैरह कोई प्रोसेस नहीं होती उस टाइम तक, जब तक वो बच्चे को 6 महीने तक, लगभग 8 महीने, 6 to 8 बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर
अब मिनिमम अपन देखें तो 6 मंथ तक जो है वो ये पीरियड रहता है लैक्टेशनल एमिनोरिया का। इस टाइम पे अगर सेक्स किया जा रहा है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। नेचुरल मेथड में 3 मेथड हैं ये, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये 3 जो है वो बिल्कुल कारगर नहीं है, मतलब बहुत 10% है इनके सफल होने के, ठीक है। फिर भी इसलिए इनको ज़्यादा भरोसा किया जाए ऐसा नहीं है। फिर सेकेंड जो मेथड हमने डिस्कस किया था वहाँ पे नाम जो था वो था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो नाम से समझ में आ रहा है, बैरियर मतलब रोकना, ठीक है, बैरिक लगाना या रोकना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इसका प्रिंसिपल क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, मीटिंग ही नहीं होने देते उनकी, किसकी किसकी, ओवम और स्पर्म की, ठीक है, मतलब मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मिलेंगे नहीं तो आगे की प्रोसेस होगी नहीं, है ना। तो इसको कैसे रोक सकते हैं कि कौन, इसके एग्जांपल मतलब कौन कौन से बैरियर जो एग्जांपल है वो यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, ठीक है। कैप्स जो है वो भी आपको समझ में आ रहा है, डायफ्राम्स जो है वो भी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता था, कॉन्डम्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो बैरियर मेथड में वो कॉन्डम ही है, ठीक है। बाकी जो है वो थोड़े कम यूज़ किए जाते हैं, कॉन्डम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये लेटेक्स या रबर या लेटेक्स का बना हुआ होता है और सब सिंगल यूज्ड हैं, जो भी एग्जांपल बैरियर मेथड के हैं वो सिंगल यूज्ड हैं। और इसमें क्या होता है, दो प्रकार के दो होते हैं कि फीमेल मेल दोनों के लिए होता है, लेकिन अधिकतर जो यूज़ किया जाता है वो मेल कॉन्डम्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो जो मेल कॉन्डम होता है वो इजीली यूज़ किया जा सकता है, और एज़ कंपेरेटिव टू फीमेल ये सस्ता होता है, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉन्डम जो है मेल कॉन्डम वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद मतलब ये कॉन्डम जो है वो एक और एसटीडी एचआईवी उससे बचने के लिए भी या उससे बचाव करने का भी एक तरीका है, ठीक है। अगर कॉन्डम का यूज़ किया जाए और उसके बाद अगर सेक्स किया जाए तो आप एसटीडी वगैरह से बच सकते हैं, ये चीज़ अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैरियर में जो चीज़ें एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। इनका प्रिंसिपल क्या है, ओवम और स्पर्म को मिलने ही नहीं देना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देना। सेकेंड जो है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। जैसे बैरियर में हमने देखा कि ये सिंगल यूज है, सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है एक बार इंसर्ट किया जाता, मतलब ये आगे डिस्कस करते हैं, इंट्रा यूटेराइन यूटेरस में वो इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल की, है ना। आर ये क्या है, आईयूडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू द विजाइना, ठीक है, विजाइना के थ्रू यूटेरस में ये फिट किए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रचलित इंडिया में है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये एक बार अगर यूज़ किया जा रहा है तो आगे 10 साल तक फीमेल को किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, बहुत पहले जो बहुत शुरुआती तौर पर जो आईयूडी जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था सबसे पहला वो था नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिप्स लूप इसका नाम है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के मेडिकेटेड यूज़ नहीं किए गए थे। लिप्स लूप ये प्लास्टिक का बना हुआ था, स्पेशल शेप का था जो यूज़ किया जाता था, ठीक है, आयोडीज़ के रूप में। सेकेंड जो है वो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर के वायरस में लपेटे हुए रहते हैं, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग या कॉपर रिलीज किया जाता है, कॉपर के आयंस रिलीज किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ठीक है। तो ये जो है वो इसके एग्जांपल है। कॉपर टी से क्या मतलब होता है, कॉपर का बना हुआ टी शेप का, कॉपर 7 कॉपर से बना हुआ 7 शेप का, मल्टी लोड 375, ठीक है। 375 जो है वो एक प्रकार से कोड है, मल्टी लोड मतलब ये कॉपर रिलीजिंग के, ये तीनों जो एग्जांपल है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं उनसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आज के मैं अभी आपको एग्जाम पेपर दिखाने वाली हूँ। तो मल्टीलोड 375 का मतलब क्या होता है, एक वायर रहती जो कॉपर की वो 375 टाइम उसमें स्फेरिकल शेप में रहती है, ठीक है, घूमी हुई रहती है, कुंडलित शेप में रहती है। ये जो क्वेश्चन है वो जो आ चुका है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे
द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन्स इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन आयोडीज, ठीक है, कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर का फंक्शन क्या होता है। चारों ऑप्शन में पढ़ के सुनाते हैं। फर्स्ट है दे मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सेकेंड है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, थर्ड है दे सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, फोर्थ है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर है दे सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अगर यह फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं देता तब भी आपको यही टिक करना था, क्योंकि स्पर्म मोर्टेलिटी अगर दिया हुआ है कि स्पर्म मोर्टेलिटी को वो कम करते हैं तो यही आंसर होगा। ठीक है, कि कॉपर का काम क्या होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में, तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल क्या क्या है, कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375। फिर उसके बाद जो आयोडीज का थर्ड एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, थर्ड कैटेगरी बोलना चाहिए, हार्मोन रिलीजिंग जो है उसके एग्जांपल्स क्या है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। इसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ चुका है उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ, वेट, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है कि इनमें से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 और 14 में आ चुका है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने, सीधी सीधी बात यह है कि हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्ट्रॉन से रिलेटेड है ये। सेकेंड जो है LNG20, LNG20 का फुल फॉर्म है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, 20 जो है वो एक कोड है, 20 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, 20 माइक्रोग्राम पर डे ये रिलीज किए जाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल एग्जाम पेपर है नीट का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, ठीक है, फर्स्ट है लिप्स लूप जो हमने पढ़ा, नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर सेवन कॉपर है ये, मल्टीलोड 375 ये भी क्या है, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। तो इसमें क्या बचा, LNG20, LNG20 क्या है, हार्मोन रिलीजिंग, ये भी क्वेश्चन भी आ चुका, मतलब इस चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग जो है वो क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो बैरे मेथड थे वहाँ क्या था, वो फिजिकली मीटिंग ओवम और स्पर्म को रोकते हैं फिजिकली मीटिंग से, और हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं ये इम्प्लांटेशन से रोकते हैं। कॉपर भी क्या करते हैं, ये भी फिजिकली मीटिंग से रोकते हैं स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम करके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, हार्मोन रिलीजिंग इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, किस टाइम पे किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे प्रेगनेंसी होती है, किस किस टाइम पे किस हार्मोन का लेवल हाई होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। तो ये जो है हार्मोन रिलीजिंग, वो हार्मोन के लेवल को बिल्कुल इतना बिगाड़ देता है, मतलब प्रेगनेंसी के अगेंस्ट कर देता है, जिस टाइम पे हमको जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है वहाँ पे उसका रिलीजिंग नहीं होती। ठीक है, तो तीनों के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कि नॉन मेडिकेट कौन सा है, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग है प्रोजेस्टासर्ट, LNG20। LNG20 जो है एक प्रकार का प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, 20 का मतलब क्या, यहाँ पे 20 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, फिर थर्ड जो है ओरल पील्स दिए जाते हैं। ठीक है, बैरल पढ़ लिया, आयोडीज पढ़ लिए, ओरल पील्स जो है फर्स्ट है अनवांटेड 72, ये जो है अनवांटेड 72, इसमें इसका कोड ही क्या है, अनवांटेड 72 मतलब क्या, ये सेक्स होने के 72 घंटों 72 आवर्स पे लिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्पर्म की जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पान बोलना चाहिए, वो फिलोपियन ट्यूब तक जाने तक 72 आवर्स उसको लगते हैं, और इस समय तक ही वो जीवित रह पाता है। तो इसके बीच ही ये जो टेबलेट है पिल्स है, ओरल पिल्स ये ली जाती है, जिससे वो फर्टिलाइजेशन ना हो या दोनों को मिलने से बचाया जा सके। ठीक है, थर्ड है ये, सेकेंड जो है वो मालाडी, ये जो है ये भी आपने देखा होगा, इसका पूरा एक कोर्स होता है। ठीक है, 21 डेज का, फिर 7 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 5th डे से फिर स्टार्ट करना होता है। इस प्रकार से ये स्ट्रिप बनी होती है कि किस टाइम पे कौन सा कोर्स लेना है, किस दिन कौन सी टैबलेट लेनी है, उसमें उस लेवल के हार्मोन रहते हैं उस टैबलेट में। ठीक है, इसके भी एग्जांपल सिर्फ आपको याद रखना है, बिल्कुल उसकी कंडीशन मतलब क्या क्या उसमें है या कैसे उसकी फिजियोलॉजी याद नहीं करनी बिल्कुल। ठीक है, अंदर जाके वो क्या काम कर रहा है, अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, अभी PhD नहीं करनी है, आगे आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं,
तो अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को टारगेट करके आप जितना कम और जितना अच्छा समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, मतलब कितने कम में कितना अच्छा समझ सकते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखें, ठीक है। ओरल जो है अनवांटेड 72 पिल्स के नाम है, फिर मालाडी, थर्ड जो है मिक्स्ड और सिंगल, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्स मिक्स्ड भी दिया जाता है और सिंगल भी दिया जाता है, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है और तो उसको उसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन मतलब प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मतलब अगर वो लैक्टेशन पीरियड में है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसको सिंगल प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसी बात है कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का ज़्यादा उपयोग किया जाए अगर बाहर से दिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर्स के खतरे होने लगे हैं, ठीक है, या होने लगे थे, ऐसा चांसेस बढ़ने लगे थे, इसलिए जो लैक्टेशन पीरियड पे अगर होती है मदर तो उसको सिंगल प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट दी जाती है। फिर है सर्जिकल मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, कॉन्ट्रासेप्टिव भी इतना फेमस नहीं है, मतलब ऐसे तो फेमस है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कॉन्डम है तो वो किस कंपनी का है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बुक दिया हुआ है, निरोध नाम की कंपनी है, और ये जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में फ्री दिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर्जिकल सर्जिकल मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और फिर भी दो मेथड है इसमें भी, एक मेल के लिए फीमेल के लिए, और लेकिन मेल डोमिनेट सोसाइटी अपनी, ठीक है, पुरुष प्रधान देश है, तो सर्जिकल मेथड भी फीमेल का ही कराया जाता है, ठीक है। मतलब उपाय अगर समझना चाहे कोई तो उपाय नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, सीधे सीधे एक बार सर्जिकल मेथड से सर्जरी करा दो, फिर जिंदगी भर के लिए फुर्सत, बचने की, बार बार बचने की किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। वासेक्टोमी क्या होता है, इसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है, ये मेल की बात की जाती है, वैसे फिर भी ये नहीं कराया जाता, लेकिन पहले जनसंख्या नियंत्रण के टाइम, शायद लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके टाइम पे ये गांव में रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो वासेक्टोमी में क्या होता है, वॉस डिफरेंस को कट करके ऐसे सर्जरी की जाती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म का निर्माण तो हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो स्पर्म कहाँ तक जाएगा, मतलब सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा या स्पर्म बनेगा ही नहीं, स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो फिर भी सीमेन में नहीं रहेगा, ठीक है। वासेक्टोमी, सॉरी, ये हुई मेल की बात, सर्जिकल। अब फीमेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे काट के इस प्रकार से बांध दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी कर दी जाती है, इससे क्या होता है ओव्यूलेशन होता है मगर वो यूटेरस तक नहीं जाता। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, मगर मतलब कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो मतलब इफेक्टिव तो है ये, बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं, ये बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर दोबारा इसको फिर से वैसा बनाने की कोशिश किया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा फिर से हो सके। तो अभी अपने किस क्या क्या पढ़ा इसमें एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या पढ़ा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, 10 to 17 days जो होते हैं अनसेफ होते हैं, फिर कॉइटस इंटरप्टस, इंसेमिनेशन ही ना किया जाना, फिर है लैक्टेशनल एमिनोरिया, फिर बैरियर मेथड, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आईयूडीज, लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है, कॉपर का काम क्या है इसमें, मोर्टेलिटी, स्पर्म मोर्टेलिटी को कम करना। हॉर्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासट, एलएनजी 20 हॉर्मोन रिलीजिंग, ओरल पिल्स, सर्जिकल में स्टेरिलिटी, ठीक है, दो प्रकार की हो सकती है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसटीडी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।